सुबह गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो एक अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मैं जो पिछली जॉब कर रहा था वो मैंने छोड़ दी। ऐसे छोड़ दी, उसके बहुत सारे कारण हैं जो बताऊंगा मैं, और आपको ठीक ही लगेंगे क्योंकि हमारी डिग्री जो कंप्लीट हुई ना वो मतलब जून जुलाई अगस्त के इसमें कंप्लीट हुई। तब क्या होता है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती, तो मैंने ऐसा सोचा मतलब हमारे फील्ड में, आईटी फील्ड में ज़्यादा ऐसा वैकेंसीज नहीं होती कि जहाँ पे आपको आसानी से जॉब लग जाए। तो मैंने ऐसे सोचा मतलब, और वैकेंसी कब होती है कि जनवरी फरवरी, जब हर एक कंपनी अपना एनुअल प्लान डिसाइड करती है, और उसके बाद में जुलाई तक मार्च अप्रैल तक अच्छी वैकेंसीज होती है जहाँ पे आपको अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब लग सकती है। तो मैंने कहा कि यार अभी देखो, ईयर ख़त्म होने में अभी 4-5 महीने बाकी है, सो इतनी देर वेस्ट करने मतलब इतनी देर ऐसे ही, मैं तो एक मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो घर चले जाओ, वहाँ पे हाथ बटाओ घर पे जाके घर वालों का, या फिर इधर आके कुछ तो करो। और उसमें मैंने MBA को एडमिशन ले लिया DY पाटिल मुंबई, वो तो एक कम अच्छा हो गया। फिर मैंने इधर एक कंपनी में नासिक में, जो आपको पता ही होगा, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ अलग के लिए इंटरव्यू दिया, और मुझे ऐसा बताया गया कि ठीक है, आपको वो जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके बाद आपको उस पे काम करने के लिए, मतलब पाइथन के लिए किया था मैंने बेसिकली, तो मैंने पहले से उसी लैंग्वेज पे ध्यान दिया है। तो फिर जब वो प्रोजेक्ट आएंगे तो हम आपको उस प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, पहला एक महीना तो मैंने अलग ही कुछ किया, फ्रंट एंड पे काम कर रहा था, फ्लटर सीख रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि सीख ही रहा हूँ भाई, अपना तो काम करना ही है दूसरा वाला, लेकिन ये भी सीख जाऊँगा एक आध महीना। लेकिन फिर 3 महीने हो गए, 3 मतलब ये चौथा महीना आई गेस अब कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उधर मेरे को जो करना था वो हुआ ही नहीं। ऑब्वियसली मैं शिफ्ट दूसरी मतलब छोड़ भी इसलिए नहीं रहा था कि छोड़ के भी कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला था, क्योंकि दूसरी किधर जगह मतलब ऐसे लगे जाएंगे और मिल जाएगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं आज आ जाएगा प्रोजेक्ट कल आ जाएगा, ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए। फिर लास्ट डे मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई अब जो भी हो जाए छोड़ दो, अपना घर पढ़ाई करो, उससे अच्छा है, क्योंकि वो जो मुझे करना नहीं था वो मुझसे करवा रहे थे, तो आई एम लाइक बस अब नहीं होगा मुझसे। तो इसीलिए अब दिसंबर एंड मतलब न्यू ईयर आने वाला है, आई होप नया साल अच्छा होगा मेरे लिए, आप सबके लिए भी अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, उसकी कोई टेंशन मत लो आप लोग। तो नए साल की शुभकामनाएं सबके लिए अभी से दे देता हूँ मैं, कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा वो तो मैं ऐसा पता नहीं सकता, ऑब्वियस आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ तो था जो मैं क्लियर करने का चाहता था। मैंने अपने आप की संतुष्टि के लिए ये सब बोला, क्योंकि मैं किसी को अपने पेट में ज़्यादा देर कुछ चीज़ें रख नहीं सकता, तो मैं किसी को बता देता हूँ, तो आपसे शेयर कर देता हूँ, क्या होगा, इतनी क्या बड़ी बात नहीं है, वो जो शेयर करने लायक नहीं, अच्छी ही तो बात है कि अगर आपको किसी जगह अनकंफर्टेबल फील हो रहा, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो स्किप कर दो भाई, उससे अच्छा घर बैठो। मैं तो घर भी फ़ोन कर दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन फिर एक डिसाइड किया कि घर भी जाके क्या करूँगा, उधर कुछ तो मेरे लायक काम है ही नहीं अब जो ये वो सेटल करके, तो मैं पहले ही आ गए हूँ, तो यहीं पर थोड़ी 7-8 दिन जो बचे पढ़ाई कर लेंगे, फिर जाके नए जगह अप्लाई करेंगे, वैसे अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ, मुंबई में ही जगह कुछ तो करूँ मतलब अपने फील्ड का, और उसके साथ साथ थिएटर ज्वाइन कर लूँ, जो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो थिएटर में काम करूँ, जिससे कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हो, मुझे जो करना है वो थोड़ा सीखता जाऊँ, और एक दिन आएगा जिस दिन हो जाएगा, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, मेरे को पता है। लेकिन एक जो है थोड़ा सा घूम फिर के जाना पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं जा सकता ना, कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट जाने से खींच रही है मुझे पीछे, लेकिन ठीक है, अब जैसा है वैसा मैनेज करके चलना पड़ेगा, और हम करेंगे, आई होप समझ रहे होगे आप मेरी बात। तो ठीक है, अब क्या मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। सो जैसे कि मैंने बोला था कि दिन भर पढ़ाई करूँगा, तो वो हुई। ये शीशा थोड़ा गंदा है, उसके ऊपर मत जाओ। मैं अपनी बियर्ड निकाल रहा था, अच्छी खासी निकली, लेकिन थोड़ी देर बाद
इसने अपना दम तोड़ दिया, अब इसमें थोड़ी चार्जिंग है तो कल सुबह दोबारा उसको काम करना पड़ेगा उस पर थोड़ा सा। पता नहीं क्यों थोड़ी देर भीड़ अच्छी लगती है और उसके बाद मेरे को ऐसा डलनेस सा फील होता है तो मैं निकाल लेता हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरे को भीड़ सूट होती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता मुझे पता नहीं। अब लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। रात को ये मशीन चार्जिंग को लगाना ही भूल गया था तो अभी लगाया है। देख कितना देर, बहुत देर लगती है इसको चार्जिंग होने में। और ये रात को ऑयल भी अप्लाई किया था, मुँह पूरा सूजा सूजा सा लग रहा है। अभी नींद में से उठे, 8 बज गए, पानी गर्म हो रहा, नहाते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।